नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हु शुड नॉट ड्रिंक अल्कलाइन वाटर, मतलब कि किन लोगों को अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक है पीपल विथ किडनी डिजीज, यानी कि जिन लोगों को किडनी संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है या फिर किडनी फेलियर की समस्या है, उन लोगों को अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या होती है, उन लोगों की किडनी की जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ी धीमी होती है, कम होती है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स की किडनी जिस प्रकार से काम करती है, उस प्रकार से उन लोगों की किडनीज काम नहीं करती। खास करके जो GMR होता है, जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, कम होता है। मतलब कि किडनी की जो भी मिनरल्स या फिर जो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं दूसरे, उसको एक्सक्रिएट आउट करने की जो भी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हो, बिना सोचे समझे करते हो, ज़्यादा मात्रा में करते हो, क्योंकि अल्कलाइन वाटर में ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं, तो ऐसे में किडनी पर लोड बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, अच्छे तरीके से किडनी मिनरल्स को एक्सक्रिएट आउट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा और यह चीज़ शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है। तो ऐसे में जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या है, उन्हें कभी भी अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग अल्कलाइन वाटर का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना काफ़ी आवश्यक होता है। नंबर दो है पीपल विथ लो स्टमक एसिड, मतलब कि ऐसे लोग जिनके स्टमक में एसिड की मात्रा कम है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोक्लोराइड्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसे लोगों में परेशानी क्या होती है कि जब भी वह खाना खाते हैं तो इंडाइजेशन की समस्या होती है, क्योंकि स्टमक में एसिड की मात्रा कम है, जिसकी वजह से डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़, गैस, ब्लोटिंग की समस्या, एब्डोमिनल पेन की समस्या, कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर वह लोग बिना सोचे समझे अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अल्कलाइन वाटर की वजह से स्टमक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, जिसकी वजह से स्टमक एसिड की मात्रा में और ज़्यादा गिरावट आएगी, तो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों को लो स्टमक एसिड यानी कि हाइपोक्लोराइड्रिया की समस्या है, उन्हें अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वह लोग अल्कलाइन वाटर का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से बात करनी, कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नंबर तीन है इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस, मतलब कि छोटे बच्चों को कभी भी अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करवाना चाहिए। छोटे बच्चे के जो भी डाइजेशन होता है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, साथ ही साथ उन लोगों की किडनीज डेवलप हो रही होती है। ऐसे में अगर आप उन्हें अल्कलाइन वाटर का सेवन करवाते हो तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे में भी जनरल केसेस की अगर बात करें तो बच्चों में गैस, ब्लोटिंग की समस्या तो होती है, ऐसे में अगर आप उन्हें अल्कलाइन वाटर का सेवन करवाते हैं तो यह समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ किडनीज फुली डेवलप नहीं होती, तो ऐसे केसेस में अगर अल्कलाइन वाटर यानी कि ज़्यादा मिनरल वाला पानी आप अगर उन्हें पिलाते हो, तो फिर मिनरल को एक्सक्रिएट आउट करने की जो बच्चों की क्षमता होती है वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से किडनी पर प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो ऐसे में बच्चों को कभी भी अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करवाना चाहिए। नंबर चार है पीपल ऑन सर्टेन मेडिकेशंस, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि किडनी संबंधित समस्या, हृदय संबंधित समस्या या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की समस्या, ऐसे में वह लोगों की मेडिकेशंस चल रही होती है, तो ऐसे में अगर आप उन्हें अल्कलाइन वाटर देते हैं या फिर वह लोग अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हैं, तो ऐसे में जो भी दवाई चल रही है उसकी एफिकेसी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी और जो भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो खास ध्यान रखना है कि जिन लोगों को पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, पहले से ही उन लोगों की दवाई चल रही है, तो ऐसे केसेस में बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर पाँच है पीपल विथ GI इश्यूज, यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कब्ज, अगर किसी व्यक्ति को यह समस्या है तो उन्हें अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति अल्कलाइन वाटर का सेवन करता है तो फिर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं, और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। नंबर छः है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन, जो महिलाएँ गर्भवती है, जो महिलाएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे केसेस में वह महिलाओं को अल्कलाइन वाटर अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की अवस्था है, ब्रेस्ट फीडिंग की अवस्था है, तो ऐसे में महिलाओं को अच्छा पोषण चाहिए होता है। ऐसे में अगर वह महिला अल्कलाइन वाटर का सेवन करती है तो ऐसे चांसेस है कि जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में बाधा आती है, क्योंकि डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं अल्कलाइन वाटर पीने से। अगर ऐसा होता है तो जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, अच्छे से वह नहीं होता है, जिसकी वजह से महिला के अंदर पर्टिकुलर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी रह जाती है, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर कोई महिला
प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन है, तो उन्हें अल्कलाइन वाटर से बचना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। नंबर सात है पीपल प्रोन टू अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का मतलब है कि बॉडी अल्कलाइन होती जाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उन्हें अल्कलोसिस की परेशानी है जिसकी वजह से जी मचलना, उल्टी जैसा होना, मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होना, कन्फ्यूजन होना, फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे केसेस में उन लोगों को अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अल्कलोसिस की स्थिति में कोई व्यक्ति अल्कलाइन वाटर का सेवन करता है तो यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, लक्षण बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यह थी जानकारी सात ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें अल्कलाइन वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो अल्कलाइन वाटर का सेवन सेफ होता है, अल्कलाइन वाटर को सेफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की परेशानी होती है, अगर बिना सोचे समझे आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हो, ज़्यादा मात्रा में करते हो, बिना डॉक्टर के एडवाइस करते हो, तो फिर आपको उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकम्फर्टेबल है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।